फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, कल बजट डे होने वाला है और निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है और आज मार्केट ने कैसा मूवमेंट किया। जो एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। अगर आप देख और पा रहे होंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी के मैंने नीचे का सिर्फ एक ही लेवल दिया हुआ था, 45,000 का, जो कि उससे पहले मार्केट थोड़ा सा पलट गया, जो कि व्यू भी था कि मार्केट बुरिश होने वाला है। और ये वाला जो मैंने रेंज यहाँ पे मार्क किया था, तो इसके अंदर ही मार्केट था, तो इसके ऊपर ही कुछ पोजिशन बनेगा। ये मैंने बोला था अगर ये ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर की ये वाले टारगेट हमें मिल सकते हैं। ये मैंने कल ही एनालिसिस वीडियो में बोला था, जिस तरीके से यहाँ पे हमें पूरे के पूरे टारगेट अचीव हो चुके हैं और उससे भी ऊपर मार्केट हाई लगा चुका है 47,178 का। तो कल के लिए बजट होने वाला है, तो कल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले, चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले फिर 15 मिनट्स में मार्केट देख लेते, 15 मिनट में मार्केट क्या यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ओआई बिल्डअप है यहाँ पे है, जहाँ पे आज मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, जो लेवल है 46,000 का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 करोड़ 42 लैक्स यहाँ पे ओआई बिल्डअप है कॉल साइड का, और पुट राइटिंग जो है 1 करोड़ 97 यहाँ पे अभी दिख रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, ये जो है। तो अगर मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो हमें अगर बड़े अगर टारगेट देखेंगे 1000 पॉइंट लगभग अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो 47,000 पे यहाँ पे एक हमें हुआई बिल्डअप दिख रहा है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ उसे, एक मिनट, यहाँ पे जो है 47,000 जो है यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है, ये वाला। इसे मैं अगर बुलिश मोमेंटम अगर मार्केट में आता है तो ये वाला जो है हमारा टारगेट आ सकता है। अगर 1000 पॉइंट हमें रैली मिलती है मार्केट में, तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और उसके पहले अगर देखेंगे तो 46,530 का जो है यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ। हमें ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है कि बुलिश यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ तो बुलिश साइड मार्केट जा सकता है, ऐसा नहीं है। मार्केट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक दिख रहा है तो हमें पॉजिटिव ही मार्केट जैसे क्लोजिंग मिला है तो पॉजिटिव हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये वाले जो मार्किंग है अभी, ये कल के जो टारगेट थे ये तो अचीव हो चुके हैं हमारे लिए। अगर नेगेटिव मार्केट हमें ट्रेड करना है तो ये वाला जो लो है, ये वाला जो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, पुट राइटिंग जो है 1 करोड़ 56 लाख, ये सॉरी 56.15 लाख, जो 56 करोड़ 15 लाख जो यहाँ पे ओआई दिख रहा है, ये अगर ब्रेक होता है सपोर्ट यहाँ पे ये वाला, तो हम नेगेटिव मान सकते हैं मार्केट के लिए थोड़ा सा। तो ये वाला जो लो पॉइंट है यहाँ तक भी मार्केट कल के लिए आ सकता है, जो डाउनसाइड के लेवल है। अभी मल्टीपल सपोर्ट्स भी हैं मार्केट के पास यहाँ पे, और ये जो रेंज मार्केट का ब्रेक हुआ है ये तो काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट का काम करने वाला है, तो ज़्यादा बड़ा नीचे की साइड टारगेट नहीं रखने वाले हम। नीचे की साइड अगर टारगेट रखना है पुट साइड के लिए, तो 45,550 से लेके 500 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और अभी निफ्टी का देख लेते एक बार, निफ्टी का कल एक्सपायरी होने वाला है,
तो निफ्टी का भी अगर देखेंगे, हमने कल इसका भी मार्किंग किया था, लेवल जो है हमने मार्क किए हुए थे, ये वाला जो है यहाँ पे, ये भी रेंज में मैंने ये कल रेंज मार्क किया था, और ये जो टारगेट थे हमारे, यहाँ से मैंने टारगेट यहाँ पे मार्क किए थे 21,650। ये फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट था 21,700, और थर्ड टारगेट था 21,777 का। तो दो टारगेट हमारे लगभग आ चुके हैं और ये तीसरा टारगेट अभी बाकी है। अगर इसमें भी हम 15 मिनट्स में अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ा जो ओआई बिल्डअप दिख रहा है कॉल साइड के लिए, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए, 22,000 का, और यहाँ पे 22,209 का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप हमें दिख रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड जो है यहाँ पे मार्केट दिख रहा है। ये मैं आपको एक दूसरा चार्ट भी, ट्रेडिंग व्यू का जो है वो चार्ट भी दिखाऊंगा। तो आपको टारगेट जो है ये मैंने दोपहर में ही अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था कि ये वाले टारगेट हमें कल देखने मिल सकते हैं। 22,000 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो और हमें कौन से टारगेट मिलेंगे, ये मैंने मार्क करके रखे हुए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो निफ्टी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मार्केट ने दिया है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी जो है एक्सपेक्टेड था कि वो जो रेजिस्टेंस था वो शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा लास्ट में, लेकिन वो आया नहीं। तो निफ्टी के लेवल्स भी अगर देखेंगे, निफ्टी यहाँ पे अगर ये वाला जो पॉइंट है 21,650 का, इसके नीचे शॉर्ट पोजीशन बनेगी जो कि हमें यहाँ पे 21,500 तक लेके आ सकती है। तो ये मार्केट अभी कल वोलाटाइल हो सकता है फर्स्ट हाफ में, हम ज़्यादा करके सेकंड हाफ में ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट एक बार सेटल हो जाए, ये जो न्यूज़ होती है उसकी वजह से वोलाटिलिटी होती है मार्केट में बजट के दिन, क्योंकि कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, कुछ बुरी न्यूज़ भी आती है, तो उस हिसाब से मार्केट वोलाटाइल होता है, ऊपर नीचे होता है। तो हम मार्केट को सेटल होने देंगे, उसके बाद में हम ट्रेड करेंगे। तो जो लेवल्स होंगे मार्केट के कल लाइव मार्केट में, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये लेवल जो है नीचे की साइड की भी आप मार्क करके रख सकते हो, और ऊपर के साइड की भी, ये अभी तक वैलिड है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है, ये जो मैंने बैंक निफ्टी का जोन मार्क किया था वो तो बैंक निफ्टी ने तोड़ के बाहर क्लोजिंग दे दिया है, उसके बाहर निकला है, लेकिन निफ्टी अगर देखेंगे तो अभी तक इस जोन में ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है कल मार्केट निकल सकता है, तो ऊपर की साइड के टारगेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल से या ये वीडियो आप अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये अगर देखेंगे आप, ये मेरा चैनल का इंटरफेस है गोल्डन बुल्स नाम से। यहाँ पे हम डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड करते हैं, और एजुकेशनल पर्पस के लिए। और कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे हम स्टॉक्स का एनालिसिस वीडियोस, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स, कुछ इंट्राडे स्टॉक्स, यहाँ पे एनालिसिस वीडियोस, और अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है हम डेली लेवल जो है हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे सुजलॉन, इजी माई ट्रिप, इसके एनालिसिस वीडियो मैंने डाले हुए हैं। आप यहाँ पे बाइंग लेवल्स अगर आपको चाहिए तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे ट्राइडेंट, सोनोकॉम्स, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं मैंने अपलोड किए हुए, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे अगर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जो राइट हैंड कॉर्नर में जो QR कोड दिख रहा है आपको, उसको आप स्कैन करके, अपने मोबाइल से स्कैन करके आप इस चैनल को, चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे अगर देखें तो हमने आज 4-5 कॉल यहाँ पे शेयर किए थे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो पूरे के पूरे शो शॉर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 0-0 ट्रेड मैंने दिया था बैंक निफ्टी का, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला जो है 0-0 ट्रेड मैंने दिया था 8 रुपये को, 46,200 का, उसने लगभग अगर देखेंगे आप तो
42 का हाई लगा चुका है, पैसा जो है 5x जो ये ट्रेड हमारा गया है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये वाला भी एक हमने ज़ीरो ज़ीरो ट्रेड दिया था, दो ज़ीरो ज़ीरो ट्रेड मैंने दिए थे आज। यहाँ पे अगर देखेंगे इसने भी 3x कर दिया था, जो 45,900 का पी मैंने दिया था 15 रुपये को, तो उसने भी अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे 32 का हाई लगा था, 34 रुपीज़ का हाई लगाया था, सॉरी 46 रुपीज़ का हाई लगाया था इसने। ये भी काफ़ी अच्छा हमारा ट्रेड गया था। उसके बाद अगर देखेंगे ये स्कैल्प ट्रेड मैंने दिया था 21,600 का पी निफ्टी का, इसने भी लगभग अगर देखेंगे तो 75 से 78 रुपीज़ मैंने बाइंग प्राइस दिया था, उसने भी लगभग अगर देखेंगे तो 15 से 18 पॉइंट इसने भी हमें प्रॉफिट दिया था। और उसके बाद में अगर देखेंगे ये वाला जो है मैंने इंट्राडे के लिए दिया था, जो वोल्टास है इसका मैंने बाय दिया था इंट्राडे के लिए, 187 रुपीज़ मैंने बाइंग दिया था। और SL अगर देखेंगे आप तो सिर्फ 3 रुपये का SL था, इसने भी लगभग हाई जो है 1101 रुपये का हाई लगाया था, जो लगभग 14 पॉइंट होता है। तो ऐसे सब अगर आप देख कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हो लेवल्स का लाइव मार्केट में इंट्राडे में अगर आप करते हो कुछ स्टॉक्स में, तो ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।